पार्षद है या देखो वो भेड़ बकरी बेच गए। मैडम आपको तो पार्लिन सिंह ने चुनके भेज दिया है प्रधान सिंह पे, इनको भी पार्लिन ने चुनके भेजा है, कोई भी भेड़ बकरी बेच के नहीं आया यहाँ। देखा विधानसभा लोकसभा अभी क्या कुछ नहीं है, सारा कुछ उठा लो वो सिर्फ फोड़ दे, पानी नहीं है बजट पास कर कमाल है, पानी नहीं है बजट पास कर कमाल है। कोई प्रॉपर्टी डीलर यहाँ आ जाए नक्शा लेके, एक हफ्ते के अंदर सर नक्शा पास हो जाएगा। आज पार्षद अगर बाढ़ की जनता है तो वो एमपी एमएलए से तो कहेगी नहीं सर, वो तो पार्षद को पकड़ेगी सर। दो दो महीने नक्शे पास नहीं हो रहे पार्षद के, आपके बताओ। ये पहली मीटिंग के अंदर हमारी बहने हमारे भाई सबने काम लिख के दिए थे जनाब, आपको बाढ़ के अंदर कष्ट खा के आए थे, ऐसे 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 हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, अब वो पूछते कैसे कैसे। अब हमें ये जवाब दो, वो जो हमने काम जो सामने लिख के दिए कहाँ लिखे हैं, वो हमारे कागज का है एंट्री हुई नहीं हुई, ये पूछ रहे हैं कि काम कब होगा, हमारा खून पीते हैं। क्या आप रेवाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था से खुश हैं? कितने कर्मचारी हैं बताओ, आप सभी खुश हो क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे आप नोट कर लो, नोट कर लो और उसके बाद मेरे को बता दो कितने कर्मचारी हैं। अजी ये ही नहीं बताते कितने कर्मचारी हैं हमारे वार्ड में, हमारे को ये नहीं पता, हमें जनता ने वोट दिए, हमें जनता को जवाब देना है। देख रहे हैं एचआर न्यूज, आपको बता दें आज रेवाड़ी नगर परिषद का पहला बजट यानी कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उसके बाद जो चेयरपर्सन चुनी गई है पूनम यादव, उनका आज पहला बजट यानी कि 2021-22 का नगर परिषद का पहला बजट उनके नेतृत्व में आज पेश किया गया। तमाम पार्षद वहां मौजूद थे और बजट पर चर्चा की गई, यानी कि तमाम जो बजट क्या कुछ होगा वो बाकायदा पढ़ करके सुनाया गया नगर परिषद के अधिकारी द्वारा। और वहाँ बजट के दौरान हंगामा भी काफ़ी हुआ, आपको बताया पार्षदों ने अपनी अपने वार्ड की समस्या रखी उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। साथ में आपको बता दें आज महिला दिवस था, महिला दिवस को लेकर के भी जो है कई सारी बातें की गई, लेकिन खामियां ये रही कि महिला दिवस के दिन ही महिलाओं को वहाँ पीने को पानी नहीं मिला, उसको लेकर के पार्षदों ने काफ़ी हंगामा किया कि महिलाओं के साथ किस तरीके का, यानी कि जो महिला पार्षद है उनको एक नगर परिषद पानी नहीं पिला सकती और करोड़ों रुपए का बजट यानी कि जो हम पेश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो कई सारे सवाल वहां पर निकले, उसको लेकर के काफ़ी हंगामेदार आज ये बजट सत्र की जो बैठक रही है, आज पहली बैठक यानी कि जो पूनम यादव चेयरमैन बनी है, ये जो तमाम पार्षद आए हैं उनके सामने पहली बार जो वहाँ चुनकर के जो गए हैं उनके समक्ष आज ये पहला बजट यानी कि 2021-22 का बजट यानी कि वहाँ पेश किया गया, और 2019-20 का जो बजट था उसके बारे में क्या कुछ खर्च हुआ, क्योंकि उसका भी अभी कुछ समय जो क्या क्या उसमें खर्च हुआ उसका भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। तो काफ़ी देर तक ये बैठक चली और बैठक के दौरान पार्षदों ने जम करके हंगामा भी किया, अपने अपने वार्ड की समस्याएं रखी, कई सारे पार्षदों ने शिकायत की कि हम यहाँ चुन करके आए हैं, हम जनप्रतिनिधि लोगों ने हमें यहाँ चुना है और हम यहाँ चुन करके आए हैं और हमारे साथ यहाँ किस तरीके से नगर परिषद में व्यवहार किया जाता है, उसको लेकर के अपनी यानी कि आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही जो बताया जो पार्षदों का कार्यकाल नहीं था, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव करीब 3.5 साल देरी से हुए हैं, तो उस दौरान क्या क्या कार्य हुए उसको लेकर के भी सवाल उठे कि उस दौरान जो कार्य हुए हैं उसमें बहुत ही यानी कि घटिया काम विकास का हुआ है तो उसकी भी जांच की जाए, तो ऐसे कई सारे सवाल है क्या कुछ है वो हम आपको बारी बारी एक बार सुनवाते हैं। आप सुनिए क्या कुछ पार्षदों ने कहा, चेयरमैन ने कहा, तमाम लोगों का हम आपको बयान सुनाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से हंगामेदार ये आज बजट सत्र की बैठक रही जिसमें रेवाड़ी नगर परिषद का बजट प्रस्तुत किया गया, आपको सुनाते हैं बारी बारी
पार्षदों की जुबानी, चेयरमैन की जुबानी, क्या कुछ उनका कहना है। आज हाउस की मीटिंग थी, कई सारी स्थितियां हैं, वो भी हम आपको बारी बारी दिखाएंगे। कि हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो पार्षद है उनसे भी एक बार बात करेंगे, क्योंकि महिला पार्षद काफी सारी जीत करके आई है, एक बार उन महिला पार्षदों से भी बात करेंगे। हाँ, एक ही समस्या रखी है मैंने तो, कि बाकी तो सब कुछ ठीक था, जो ये घड़ी बोलने से बावल रोड की साइड पे सड़क बनी है, दोनों साइड नाले के ऊपर सड़क बनी है, वैसा मटेरियल वैसी सड़क तो जो भी ठेकेदार बनाता है उसको तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। वो 4 महीने के अंदर ही दोनों तरफ की सड़क ख़त्म हो चुकी है, जो ठेकेदार भी किसी वार्ड में भी ऐसा मटेरियल लगाता है उसको ब्लैकलिस्ट करो। आप लोगों को लगता है जो आपका कार्यकाल नहीं था पार्षद, 3-3.5 साल बाद चुनाव जो हुए हैं, उस दौरान जमकर के घोटाला नगर परिषद में हुआ? वो तो नगर परिषद जाने, बाकी पार्षदों तक तो ये चीज नहीं आती, कर रही है उसी की बानगी है। तो हमने तो डिमांड यही करी है कि ऐसे ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि ईओ साहब ने बोला कि इसके ऊपर जांच करी जाएगी। अब ईओ साहब देखते हैं कि कब तक जांच होती है, ईओ साहब देखते हैं कब तक जांच करते हैं, नहीं करते तो फिर वापस मीडिया को बुलाएंगे, वापस मीडिया के साथ जांच करेंगे। लगता है यानी जो कार्यकाल खत्म हुआ था उसके बाद जो तमाम घोटाले हुए उनकी जाँच होनी चाहिए, जो उनकी जाँच होनी चाहिए, सबसे पहली मीटिंग में यही डिमांड करी गई थी, उनकी डिमांड करी जाए, उनकी भी अपनी जाँच करी जाए। लेकिन ये कब तक जाँच होगी ये हमें भी नहीं लगता, ये संभव भी नहीं है कि जाँच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यही समस्या रखी है कि हम कभी भी किसी भी काम के लिए हमारे वार्ड से कोई भी आता है, और हम भी खुद भी जैसे कभी आते हैं तो ये मतलब हम नए हैं ना, हम नए हैं, हमारे मतलब वही है कि आके अपने आप को पहले हम आते ही तो ये नहीं कहने लग जाएंगे कि हम पार्षद है हमारा ये काम करके दो। आज आपको पानी मिला पीने का? नहीं, पानी नहीं मिला, पानी बाद में आया, लेकिन पानी का ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ तक जब बोतल आई थी तो ख़त्म हो गई थी, फिर ग्लास में दिया गया था। आपने क्या शिकायत रखी है? मैंने शिकायत ये रखी है, जितने भी यहाँ डीसी रेंट पे जो ये कर्मचारी लग रहे हैं 9-10, ये किसी की अप्रोच से लग रहे हैं, कोई कर्मचारी का रिश्तेदार है, कोई नेतागनी जी है, और लंबे समय से ये लग रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ये नक्शा लेके जेई के पास जाते हैं और 5 दिन या हफ्ते में नक्शा पास हो जाता है, और कोई गरीब आदमी यह नक्शा लेके आता है उसको 2-2 महीने तक उससे नक्शा पास नहीं करा जाता। हमें सब पता है किस तरीके से नक्शा पास हो रहा है, और हम इसको अब पार्षद हम बनने के बाद सब पार्षद एक मति कर इस भ्रष्टाचार का उजागर हम करेंगे और इसको खत्म करने का काम। नहीं, आपको लगता है जो कार्यकाल नहीं रहा था क्योंकि काफी समय बाद चुनाव हुए हैं, जम करके यहाँ जो जो काम हुए उनमें धांधली हुई, जिस तरीके से आपकी महिला पार्षद बता रही है, जो बावल रोड पे सड़क बनी है नाले के दोनों साइड में 4 महीने, तो आप हमारे जो सीनियर नियाल जी ने भी बताया कि आज शहर की दुर्दशा देख लो, सफाई आज तक उस नाले की सफाई तक नहीं हुई, और सड़कों का जो हाल है जो महीने भर में बनती है, अगर हाँ बढ़िया ईमानदारी से ही काम करना है तो सभी, अगर कोई ठेकेदार किसी वार्ड में सड़क बनाता है तो पार्षद की सहमति उसमें होनी चाहिए, जब इसका सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है तो देखिए, तमाम आज जो मीटिंग हुई है हाउस के अंदर बजट को लेकर के, किस तरीके से पार्षदों ने अपनी व्यथा रखी है, और जो नप अधिकारी है वो कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं, तो जाहिर है तमाम लोगों के अंदर गुस्सा। पार्षद भले चुनका कैमरा पर्सन देंगे, पर बाहर की तस्वीरें अवश्य दिखाए किस तरीके से तमाम पार्षद यहाँ इकट्ठा हैं, आक्रोश इनके अंदर है क्योंकि लंबे समय बाद पार्षद चुन करके आए हैं। जाहिर है शहर की अनेकों समस्याएं हैं, और एचआर न्यूज़ लगातार उन समस्या को उठाता रहा है, चाहे अवैध निर्माण की समस्या हो, अतिक्रमण की हो। हालांकि आज चेयरपर्सन ने कैमरे पर सीधा सीधा एचआर न्यूज़ के कैमरे पर आश्वासन दिया है कि तमाम समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और भी हमारे साथ पार्षद हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं आपने क्या समस्या रखी है। पार्षद कौन से वार्ड? लोकेश यादव, वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। क्या समस्या? मैंने सफाई की, और जो बरेकर है कई कॉलोनियों में डिमांड है उसकी, एक नल को जो हैडपम्प लगे हुए हैं उनके खराब पड़े हैं, जो नगर परिषद कमेटी ने पहले लगाए थे, उनकी समस्याएं रखी है मैंने, उनके लिए कहा गया है कि जल्दी उनका समाधान किया जाएगा। एक बार तस्वीरें दिखाता रहे कैमरा पर्सन, कहें तस्वीर दिखाए नगर परिषद की, क्योंकि अभी हमने तीन दिन पहले ही हमने यहाँ की तस्वीर दिखाई थी कि आखिर नगर परिषद में काम होता कैसे है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ परेशान हो जाते हैं। पार्षद हैं, आपकी क्या समस्या है? देखिए, मैंने पहली मीटिंग में भी कहा था और आज भी मैंने ये रखा है कि जितने पुराने ठेकेदार हैं उन सबको हटा के नए ठेकेदार टेंडर दें, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं और जो उन्होंने काम किया घटिया कर रखा है। घटिया कर रखा, तो जम के लूट हुई है मानते हैं आप? ये तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन काम क्या मतलब, अगर अधिकारियों ने उनका निरीक्षण नहीं किया जो उनकी देख रेख सही तरीके से नहीं हुई है, और मैंने उनको यही कहा था अब जो भी आगे टेंडर होंगे नए ठेकेदारों को टेंडर दीजिए, और पार्षदों की से साइन करवाइए, उनकी
उनकी सहमति लीजिए, अभी काम ठीक हो गया। पार्षद बता रही है कि एक सड़क जो बनी वो 4 महीने के अंदर टूट गई दोनों साइड। हाँ बिल्कुल, उसका मुद्दा मैंने उठाया है। उठाया आपने? हाँ, वो हमारे चेयरपर्सन के घर के सामने सड़क जा रही है और वही सड़क टूटी पड़ी है। 3 महीने के अंदर सड़क टूट गई, उसका आज तक अब कोई हुआ नहीं है। मेरा भी वार्ड लगता है उसमें। वार्ड नंबर 19 के साथ भी लगती हुई है वो सड़क, बावल रोड से गड़ी बोलनी रोड तक। आप तो पहले बता चुके आप खुद। हाँ, और टूटा हुआ है। हाँ जी, टूट भी गया है नाला, टूट भी गया। जो आप पार्षद चुन के आए, जनता ने आपको चुना है, क्या वो सम्मान आपको मिल रहा है नगर परिषद? कहाँ मिल रहा है, कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं हमारे को। हम पुराने हैं इसलिए थोड़ी हमारी पहचान है। बेचारे नए पार्षदों को तो यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, किस रूम में जाना है। तो देखिए, हमारी उस खबर पर फिर मोहर लगा दी है उन्हीं पार्षदों ने जो चुन करके आए हैं। अभी 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था यहाँ नगर परिषद में किस तरीके से काम होता है, और कार्यालय में अधिकारी बैठते नहीं है, किसी भी कार्यालय में बोर्ड नहीं है। अगर मेन मुख्य अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो किस कार्यालय के अंदर कौन बैठता है, कौन किसके जिम्मे क्या काम है, किसकी क्या जवाबदेही है, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। आपको बताएं, कई सारे पार्षदों ने जम करके, यानी कि आज जो मीटिंग थी उसके अंदर अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि हम लगातार HR न्यूज दिखा रहा है किस तरीके से नगर परिषद के हालात बद से बदतर है, कि यहाँ कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, स्थिति क्या है हमें। अरे, महिला दिवस की आपकी बात जायज है, सही बात है। कहानी क्या थी, मैंने ये कहा आज का दिन किस चीज़ का जन्म, महिला दिवस अलग मेन था, आज बजट का थोड़ा बहुत मेन था, बजट का तुम इनसे पास करा रहे हो, पार्षद हैं, मैडम हैं, जेंट्स सब हैं, और बजट वाले दिन ही पानी नहीं, ये क्या है? मैं ये पूछता हूँ कि पानी का इंचार्ज कौन था? ये इनको पानी नहीं मिला, कितना बिल पानी का दिखाओगे? आज बजट वाला दिन भी चोरी। तो सुना आपने, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पार्षदों की जुबानी सुना रहे हैं जिनको जनता ने चुना है, और यानी कि दिन रात मेहनत करके इन्होंने घर घर जाकर के वोट मांगे, लोगों ने वोट दिए, और ये शर्मसार करने वाली स्थिति है जहां करोड़ों का बजट यानी कि आज बनाया जा रहा है कि ये हम इस योजना में खर्च करेंगे इतने करोड़ रुपए, और वहां सिर्फ एक पानी, यानी कि आप समझ सकते हैं पानी की क्या कीमत है, और पानी पार्षदों को नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है जो HR न्यूज लगातार दिखा रहा है। क्या कहेंगे आप? 60,000 रुपए की नौकरी छोड़ गए आप, पार्षद बने हैं जनसेवा के लिए? वार्ड नंबर 7 से सुरेश सैनी। अच्छा, सुरेश सैनी जी, आप पार्षद बने हैं। लगता है ये स्थिति जो आज यहाँ मीटिंग में हुई है, हाउस की मीटिंग में, एक बजट की मीटिंग में, आपको शर्म आती है यानी कि पार्षद चुन के? देखो जी, ये जो बजट था ना, 2021 का बजट था, इस बजट से हमें कुछ नहीं पता इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन हम तो अब जो अपने करंट ईयर का बजट को लेके हैं उत्साहित हैं, और अपने वार्ड में जो भी तरक्की है, जो भी काम है वो कराना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें 3 महीने हो चुके हैं चुन के आए हुए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है, ना कोई सुनवाई होती है किसी तरह की, कोई काम नहीं हो रहा अभी तक। जो समस्या आई कि अभी, यानी कि जब आप पार्षद नहीं चुने गए थे उस दौरान जो कार्य हुए वो घटिया हुए, क्या लगता है तमाम चीजें बिल्कुल 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 होनी चाहिए? क्योंकि जो मेरे वार्ड में भी एक सड़क है कालका रोड से ये सरस्वती विहार की, वो सड़क 2 बार बन चुकी है लेकिन अभी भी वो खंडित पड़ी है। एक बार बनी, वो 2 महीने में टूट गई, उसके बाद फिर DC को ज्ञापन दे के उस पर 3-4 महीने कार्रवाई करके वो दोबारा बनवाई, दोबारे भी वो 2 या 3 महीने ही चली, उसके बाद फिर टूटी पड़ी है। उसके लिए भी मैंने पिछली मीटिंग में बोला था, लेकिन मुझे यही बोला गया कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे, उस पर उसको चेक कराएंगे वो उसका क्या रीजन है टूटने का। तो देखिए, देरी से जो चुनाव हुए उसकी पोल अब खुल रही है, क्योंकि अब पार्षद चुन के आए, स्थिति अब सामने आई है, और उससे पहले पार्षद थे नहीं, पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया था, उस दौरान जो जमकर के कार्य हुए हैं उनमें जो धांधली हुई है, तमाम पार्षद चाहते हैं कि अब उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिर पैसा नगर परिषद का था तो वो गया कहाँ, किसकी जेब में गया? महिला ने अभी जिस तरीके से पार्षद महिला ने बताया, 4 महीने पहले सड़क बनी, ये भाई बता रहे हैं, पार्षद बता रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके आया हूँ और इसीलिए आया ताकि हम समाज सेवा कर सकें, और ये समाज सेवा का मतलब सीधा सीधा है कि भ्रष्टाचार से लड़ना। किस तरीके से इस नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं, क्या उनको मिटा पाएंगे? इस नगर परिषद घोटाले का गढ़ कहा जाता है, क्या लगता है उनको धुल पाएगा? देखो, अगर हम सभी पार्षद एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हो सकता है हम इस जो भी इन पे दाग लगे हैं उसको धो पाए। पार्षद हैं, आपकी क्या समस्या है? देखिए, मैंने पहली मीटिंग में भी कहा था, आज भी मैंने ये रखा है कि जितने पुराने ठेकेदार हैं उन सबको हटा के नए ठेकेदार टंड दें, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, और जो उन्होंने काम किया घटिया कर रखा है। घटिया कर रखा, तो जम के लूट हुई है मानते हैं आप?
ये तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन काम क्या मतलब अगर अधिकारियों ने उनका निरीक्षण नहीं किया जो उनका उनकी देखरेख सही तरीके से नहीं हुई है। और मैंने उनको यही कहा था, अब जो भी आगे टेंडर हो गए नए ठेकेदारों को टेंडर दीजिए और पार्षदों की से साइन करवाइए, उनकी सहमति लीजिए, भाई काम ठीक हो गया। पार्षद बता रही है कि एक सड़क जो बनी वो 4 महीने के अंदर टूट गई दोनों साइड। हाँ बिल्कुल, उसका मुद्दा मैंने भी उठाया है, उठाया आपने। हाँ, वो हमारे चेयरपर्सन के घर के सामने सड़क जा रही है और वही सड़क टूटी पड़ी है, 3 महीने के अंदर सड़क टूट गई, उसका आज तक अब कोई हुआ नहीं है। मेरा भी वार्ड लगता है उसमें, मेरा हाँ वार्ड नंबर 19 वार्ड है, बिल्कुल वार्ड नंबर 19 के साथ भी लगती हुई है वो सड़क, बावल रोड से गड़ी बोलनी रोड तक। आप तो पहले बता चुके आप खुश नहीं है, और टूटा हुआ है। हाँ जी, टूट भी गया है नाला, टूट भी गया। जो आप पार्षद चुन के आए, जनता ने आपको चुना है, क्या वो सम्मान आपको मिल रहा है नगर परिषद? कहाँ मिल रहा है, कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं हमारे को, हम पुराने हैं इसलिए थोड़ी हमारी पहचान है। बेचारे नए पार्षदों को तो यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, किसके रूम में जाना है। तो देखिए, हमारी उस खबर पर फिर मोहर लगा दी है उन्हीं पार्षदों ने जो चुन करके आए हैं। अभी 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था यहाँ नगर परिषद में किस तरीके से काम होता है, और कार्यालय में अधिकारी बैठते नहीं है, किसी भी कार्यालय में बोर्ड नहीं है। अगर मेन मुख्य अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो किस कार्यालय के अंदर कौन बैठता है, कौन किसके जिम्मे क्या काम है, किसकी क्या जवाबदेही है, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। आपको बताएं, कई सारे पार्षदों ने जम करके यानी कि आज जो मीटिंग थी उसके अंदर अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि हम लगातार HR न्यूज दिखा रहा है किस तरीके से नगर परिषद के हालात बस से बदतर है, कि यहाँ कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, स्थिति क्या है। हम एक बार बात करेंगे, माता जी हमारे साथ है, माता जी क्या कहेंगे, आपने क्या क्या चीज़ रखी है बात आज क्यों मीटिंग में क्या रखा आपने, जिस तरीके से आप में गुस्सा था हाउस की मीटिंग में, क्यों गुस्सा था, क्या बात है? मैंने क्या गुस्सा किया यार, पानी को लेकर के आपने कितनी नाराजगी जताई कि एक महिला दिवस पे महिलाओं को पानी नहीं मिल पाया, करोड़ों का बजट यहाँ पास हो रहा है, पानी नहीं मिल पाता। अरे महिला दिवस की आपकी बात जायज है, सही बात है। कहानी क्या थी, मैंने ये कहा आज का दिन किस चीज़ का जन्म, महिला दिवस अलग मेन था, आज बजट का थोड़ा बहुत मेन था, बजट का तुम इनसे पास करा रहे हो, पार्षद हैं, मैडम हैं, जेंट्स सब हैं, और बजट वाले दिन ही पानी नहीं, ये क्या है? मैं ये पूछता हूँ कि पानी का इंचार्ज कौन था, ये इनको पानी नहीं मिला, कितना बिल पानी का दिखाओगे, आज बजट वाला दिन भी चोरी। अरे ये चोरी बर्दाश्त नहीं है। तो सुना आपने, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पार्षदों की जुबानी सुना रहे हैं जिनको जनता ने चुना है, और यानी कि दिन रात मेहनत करके इन्होंने घर घर जाकर के वोट मांगे, लोगों ने वोट दिए, और ये शर्मसार करने वाली स्थिति है जहाँ करोड़ों का बजट यानी कि आज बनाया जा रहा है कि ये हम इस योजना में खर्च करेंगे इतने करोड़ों रुपए, और वहाँ सिर्फ एक पानी, यानी कि आप समझ सकते हैं पानी की क्या कीमत है, और पानी पार्षदों को नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है जो HR न्यूज लगातार दिखा रहा है। क्या कहेंगे? 60,000 रुपए की नौकरी छोड़ गए आप पार्षद बने हैं? जनसेवा के लिए। वार्ड नंबर 7 से सुरेश सैनी। अच्छा, सुरेश सैनी जी आप पार्षद बने हैं, लगता है ये स्थिति जो आज यहाँ मीटिंग में हुई है, हाउस की मीटिंग में, एक बजट की मीटिंग में, आपको शर्म आती है यानी कि पार्षद चुन के? देखो जी, ये जो बजट था ना, 2021 का बजट था, इस बजट से हमें कुछ नहीं पता इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन हम तो अब जो अपने करंट ईयर का बजट को लेके हैं उत्साहित हैं, और अपने वार्ड में जो भी तरक्की है, जो भी काम है वो कराना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें 3 महीने हो चुके हैं चुन के आए हुए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है, ना कोई सुनवाई होती किसी तरह की, कोई काम नहीं हो रहा अभी तक। जो समस्या आई कि अभी यानी कि जब आप पार्षद नहीं चुने गए थे उस दौरान जो कार्य हुए वो घटिया हुए, क्या लगता है? तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे वार्ड में भी एक सड़क है कालका रोड से ये सरस्वती विहार की, वो सड़क 2 बार बन चुकी है लेकिन अभी भी वो खंडित पड़ी है। एक बार बनी, वो 2 महीने में टूट गई, उसके बाद फिर DC को ज्ञापन दे के उस पर 3-4 महीने कार्रवाई करके वो दोबारा बनवाई, दोबारा भी वो 2 या 3 महीने ही चली, उसके बाद फिर टूटी पड़ी है। उसके लिए भी मैंने पिछली मीटिंग में बोला था, लेकिन मुझे यही बोला गया कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे, उस पर उसको चेक कराएंगे वो उसका क्या रीज़न है टूटने का। तो देखिए, देरी से जो चुनाव हुए उसकी पोल अब खुल रही है, क्योंकि अब पार्षद चुन के आए हैं, स्थिति अब सामने आई है, और उससे पहले पार्षद थे नहीं, पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया था,
उस दौरान जो जमकर के कार्य हुए हैं उनमें जो जो धांधली हुई है, तमाम पार्षद चाहते हैं कि अब उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिर पैसा नगर परिषद का था तो वो गया कहाँ, किसकी जेब में गया। महिला ने अभी जिस तरीके से पार्षद महिला ने बताया, 4 महीने पहले सड़क बनी है, भाई बता रहे हैं, पार्षद बता रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके आया हूँ और इसीलिए आया ताकि हम समाज सेवा कर सकें, और ये समाज सेवा का मतलब सीधा सीधा है कि भ्रष्टाचार से लड़ना। किस तरीके से इस नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं, क्या उनको मिटा पाएंगे? इस नगर परिषद घोटाले का गढ़ कहा जाता है, क्या लगता है आप इनको धुल पाएगा? देखो, अगर हम सभी पार्षद एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हो सकता है हम इस जो भी इन पे दाग लगे हैं उसको धो पाएं। ये हाउस की आप एचआर न्यूज के कैमरे पे पहली बार आ रहे हैं, हाँ जी, क्या रहा मीटिंग के अंदर? जिस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है सफाई व्यवस्था से, महिला दिवस है आज, पानी तक नहीं मिला, नहीं लगता संसार करने वाली स्थिति है? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारी खबरें पहुंचाते हैं पब्लिक से, और दूसरी बात ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, पानी आया था गिलास में, सबने पिया था, वो ठीक है, दोबारा से उन्होंने सर्व नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। और सफाई कर्मचारी अभी हम और भी भर्ती कर रहे हैं, जो और भी आएंगे तो हम सब वार्ड में सफाई कर्मचारियों की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो उससे और ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हो रही है, किसी जगह रह भी जाती है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो भी होगी धीरे धीरे। चलिए, आज बजट सत्र की मीटिंग थी, क्या क्या लोगों ने अपनी परेशानियां समस्या बताई हैं? ऐसी कोई खास जो आप बता रहे थे सफाई वाली बता रहे थे, पर बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है। पार्षदों ने अपनी ग्रीवेंसेस रखी हो कुछ मीटिंग में, क्या क्या रखा है? कईयों ने बताया कि हमें कर्मचारियों का नहीं पता होता, मिसबिहेवियर होता है पार्षदों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, एक सब अच्छी तरह से बात करते हैं, बाकी कोई ऐसा इश्यू होगा तो वो मुझे बताएंगे तो उसको देखेंगे। एक आपने अभियान चलाया हुआ अतिक्रमण का, हाँ जी, कितनी सफलता आपको मिली है, कुछ चेंजिंग आई है उसके अंदर? एचआर न्यूज़ लगातार उस खबर पे, बिल्कुल आएगी और आगे आगे और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि हम लगातार उस पर नजर बनाए रखे हैं, और जब तक ये आपको पता है हमारे एजेंडे में सबसे पहले यही था कि हमें अतिक्रमण को खत्म करना है। अगर आप बाजार जाएं तो अभी भी स्थिति जस की तस है, कई दुकानदार तो अभी भी मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, मान जाएंगे धीरे धीरे। बाजार है और बाजार है आपका जो है रेलवे रोड है या सर्कुलर रोड है, कहीं भी कोई हमारी टीम जा रही है, लगातार प्रयास कर रही है अतिक्रमण को खत्म करने की। ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों से जो 30 सालों का अतिक्रमण आप सोच रहे हो कि वो एक महीने में खत्म हो जाएगा, वो तो ऐसा संभव नहीं है। पर फिर भी हमारी लोगों ने अवैध निर्माण किए हुए हैं, एक एक दो खंड बाजार में फालतू बने हुए हैं, आप तमाम मोहल्ले में जाइए, लोगों ने ग्रीन बेल्ट रोक लिया, तमाम जगह कब्जे किए हुए, पैडिया सड़कों पर है, किस तरीके से रोकेंगे? पार्किंग की समस्या नहीं है, आबादी लगातार बढ़ रही है, सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब चीजें सही होंगी। लगातार लोगों ने बेसमेंट बनाए हुए हैं, अंधाधुंध सब पर कार्रवाई की जाएगी, उसका अभी हमारे संज्ञान में आई है ये चीजें, तो जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वैसे कार्रवाई होती जा रही है। सारे मार्केट बने हैं जिनके अंदर यानी किस चीज की जगह मार्केट के मार्केट खड़े हो गए लोगों ने, हाँ, तोड़ करके दुकानें बना ली, कई सारे मार्केट पंजाबी मार्केट हो देखा, सैकड़ों की तादाद में मार्केट बन गए, उनके अंदर एक एम्बुलेंस तक आपकी नहीं जा सकती, किस तरीके से उन पे कार्रवाई करेंगे? क्या वो नक्शे से पास हुई, उनकी जांच होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल कराएंगे, सब चीजें कराएंगे, शहर में जो भी मतलब कमी है वो उसका सुधार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो आज एचआर न्यूज के कैमरे पे पहली बार चेयरपर्सन पूनम आई है और तमाम सवालों के हमने जवाब मांगे हैं।